उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के कंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदई गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हमले में एसओ समेत कई पुलिस कर्मी घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में गाजीपुर के जमानिया कस्बा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हालत गंभीर होने पर सभी को चंदौली जिला अस्पताल रेफर किया गया। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी अंकुर अग्रवाल समेत कई आला अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल घटना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। साथ ही मामले की जानकारी देते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि एसओ और पीड़ित पक्ष की ओर से 23 नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र कंदवा में एक गाँव में कुदई कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि दो पक्षों में एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर रहा है और मारपीट हो रही है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो पक्ष हमला कर रहा था उसके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। वो उनकी स्थिति अब ठीक है और उसके बाद तत्काल एक्स्ट्रा फोर्स भेजकर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराया गया। इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें दो FIR पंजीकृत की गई हैं, एक जो पीड़ित पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया और एक पुलिस के SHO द्वारा। इन सभी में लोगों का नामजद किया गया है। पहली FIR में 8 लोगों का नामजद किया गया है, दूसरी में 15 लोगों का नामजद किया है और कुछ लोग अज्ञात हैं। इन सभी में सभी की अरेस्टिंग की जाएगी और इनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है, गुंडा की कार्रवाई करते हुए सभी के ऊपर जो विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कोदई गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। रविवार रात दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक पक्ष ने डायल 112 पर मारपीट की जानकारी दी। सूचना के बाद PRV के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आरोपितों ने डायल 112 के पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और इसके साथ ही अभद्रता शुरू कर दी। PRV ने जब इसकी सूचना कदवा थाना पुलिस को दी तो कुछ समय बाद ही कंदवा SO दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सख्ती करने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इस हमले में पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही हमले में SO समेत 7 पुलिस कर्मी घायल हो गए। घायलों में SO राजेश सरोच, संजय मिश्रा, अजय कुमार यादव, जय मोहन यादव, राजकुमार सहानी, अशोक यादव और वीरेंद्र यादव हैं। वहीं हमले में घायल हुए SO राजेश सरोच ने बताया कि दो पक्षों में विवाद चल रहा था। हमें मारपीट की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे। इसी दौरान लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हम पर हमला बोल दिया। घटना एक हमारे कंदवा में कोदई ग्राम है जी, और चौकीदार है। उसके कुछ दिन पहले एक घटना घटी तो उसका बच्चा पानियों में डूब के मर गया था जी जी, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है जी। और उसी को लेके जो विपक्षी जिसपे आरोपित कर रहा है, रात में उसके जो कि घर में दारू पी के एकदम उत्पात मचा रहा था। हाँ, तो सूचना 112 नंबर को मिली। 112 नंबर की पुलिस गई वहाँ पे, 112 नंबर को अपना दौड़ा उड़ा लिया, मारने उड़ने लगे। तो जैसे हमको भी इस तरह की सूचना मिली तो हम भी वहाँ मौके पर गए। तो मौके पर जैसे हम लोग वहाँ पहुँचा गया तो एक बात वो एक मतलब सुनियोजित तरीके से और पहले से ही वो लाठी डंडा लेके लैस थे। और जैसे ही हम लोग पहुँचे मौके पर, एकाएक जो है कि लाठी डंडा से मारने लगे, मारने पीटने लगे जी। इसमें अच्छा, आप थाना प्रभारी भी हैं, तो लगभग कितने लोगों को चोटें आई, कितने पुलिसकर्मी को? 5-6 लोग, 7 लोगों को चोटें आई। इसके साथ ही चंदौली जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि अस्पताल में 7 पुलिसकर्मी घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से 6 की हालत सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये हमारे अस्पताल में सुबह में 7 पुलिसकर्मी घायल अवस्था में आए थे, जिसमें से 6 लोगों की तो स्थिति सामान्य है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की स्थिति थोड़ा गंभीर है। उनको भर्ती कर लिया गया, उनका इलाज चल रहा है, बाकी लोगों को दवाइयाँ वगैरह लिख के छोड़ दी।
गौरतलब है कि पुलिस पर किए गए हमले में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करते हुए दबिश दे रही है। आला अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया पब्लिक खबर के लिए चंदौली टीम की रिपोर्ट। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।